आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निर्मल स्वाज किचन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहें। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें हमने एक कप मिल्क पाउडर डाला है। या आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी भी शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आधा कप चीनी, पौना कप दूध, दूध हम अगर हो सके तो फुल क्रीम दूध का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, इन सब चीज़ों को डालकर हम विस्कर की हेल्प से, और अगर हमारे पास विस्कर नहीं है तब हम अपनी चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स होने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। हमने पहले इसमें थोड़ा ही दूध डाला था, उसके बाद बाकी बचा हुआ दूध भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। पूरा दूध हमने एक साथ इसमें ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अब कुछ इस प्रकार की दिख रही है। अब हम अपनी गैस पर कढ़ाई को रखेंगे और उसमें इस पेस्ट को डाल देंगे। इस स्टेप पर हमने अपनी फ्लेम को लो ही रखना है। इस प्रकार से इसको कढ़ाई में डालने के बाद हम इसको लगातार इसी प्रकार से चलाते रहेंगे जब तक हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार नहीं हो जाता। करीब 3 से 4 मिनट में हमारा कंडेंस मिल्क बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। हमें अपनी फ्लेम को तेज़ नहीं करना है क्योंकि वरना इसमें स्मेल आ जाएगी और हमारा कंडेंस मिल्क कढ़ाई में चिपक जाएगा। लो फ्लेम पर हमने इसी प्रकार से चलाना है। जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे ये थोड़ा थिक होता जाएगा। करीब 2 मिनट तक इसी प्रकार चलाने के बाद ये थोड़ा थिक हो गया है। अब हम इसको करीब 1 मिनट और चलाएंगे। इसमें टोटल पकाने की जो टाइमिंग होती है इसको, वो 3 से 4 मिनट होती है। करीब 4 मिनट के बाद लो फ्लेम पर पकाने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में बंद कर करीब 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी से अपने घर में कंडेंस मिल्क को ज़रूर बनाइए। आपका कंडेंस मिल्क बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा। आप बहुत कम पैसों में अपने घर पर इस प्रकार कंडेंस मिल्क बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस